आज बहुत ही गंभीर टॉपिक पे हल्के फुल्के अंदाज में बात करेंगे। पीटी मेंस की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है अगर ये गलती कर रहे हैं ना, और इसका प्रूफ है तो प्रीलिम्स गया अगली बारी मेंस की। चीजों को सुधार लीजिए, नहीं तो इतना मेहनत, इतना पैसा और इतना समय तीनों बर्बाद होता है। और ये सिर्फ तीन बर्बाद होता ना तो शायद मैं कुछ नहीं कहता। ये तीनों आपके पर्सनैलिटी पे इतना नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, आपके कॉन्फिडेंस को इस तरह से तोड़ता है जिसका खामियाजा सालों तक भुगतना पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही गंभीर टॉपिक पे हल्के फुल्के अंदाज में बात करेंगे, शायद इसीलिए आप गंभीरता से नहीं लेते हो कुछ भी चीजों को। बट याद रखिए, बहुत सारी बातें आपके साथ हम इसी अंदाज में जब करते हैं ना, तो उसमें मैं गंभीरता को भी जरूर दिखाता हूं, लेकिन लाइफ में क्या करना, लाइफ में बहुत स्ट्रेस लेके कोई चीज अगर आप कर रहे हो और अचीव कर रहे हो तो वो उतना उसमें उतना मजा नहीं है जिसमें उसी चीज को थोड़े लाइट मोड में अगर किया जाए। तो चीजें तो वही बताते हैं आपको जो आपको करना चाहिए, लेकिन बड़े कोशिश करते हैं हल्के तरीके से बताने का, ताकि आप कम स्ट्रेस में भी अभी एग्जामिनेशन की तैयारी आसानी से कर ले। कई बार मैंने कुछ कहा है और आप लोगों में से कई सार उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो या क्या कर रहे हो समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कई बार एक वर्ड यूज किया है, एक लाइन मैं लगातार यूज करता हूं कि आपके एग्जाम की तैयारी में 70% योगदान आपके और एक्टिविटीज का है, किताब कॉपी नोट्स क्लासेस 30%, और ये एक्चुअली में है। फिर लग रहा होगा कुछ और भी नहीं, अभी मैं आज बात करेंगे तीन गलती जो आप लोग करते हो और पूरा एग्जाम कोलैप्स हो जाता है, और क्यों करते हैं इस पर ही बात करेंगे। पीटी मेंस की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है अगर ये गलती कर रहे हैं ना, कोई मतलब नहीं है, लिख के रख लो छोड़ दो, कोई फायदा ही नहीं है। और इसका प्रूफ है पहली गलती ओएमआर कलर करने के दौरान, पहली गलती मेंस पेपर में रोल नंबर और जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको भरने के दौरान क्वेश्चन कहां किस पेज में लिखे हैं वो डालना भूल जाते हैं। होता है ना ऐसा कि नहीं होता है? ताको हमसे नहीं हुआ है, कुछ लोग मेंस ही नहीं दिए होंगे आज, लोग कुछ लोग को नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनका होता है उनका क्या। देखो अभी स्क्रीनशॉट जा रहा है, मेरे पास आया है, ऐसे कई सारे हैं। रोल नंबर लिख तो दिया, बबल नहीं किए। सीरीज लिख तो दिए, बबल नहीं किए, बबल किए गलत कर दिए, एक बबल करके दूसरे में टिक मार दिए, ऐसी कई सारी समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं। क्या नहीं लगता है इस पे काम करने की जरूरत है? क्या इसको पढ़ाई से जोड़ा जा सकता है बताओ? ये आपके एटीट्यूड, आपका तरीका, आपको आपके चीजों को देखने का नजरिया इससे जोड़ते हैं। लाख पढ़ लोगे करंट अफेयर्स और फैक्ट्स, इन चीजों पे काम नहीं करेंगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, और इतना पेन करेगा ना वो कि आगे आने वाले एग्जामिनेशन पे असर पड़ेगा। अभी 67 का पेपर, जिनका ओएमआर गलत करने के कारण नहीं हो रहा है ना, उनका 68 पे भी चोट है, क्योंकि अभी तो गम में ही रहेंगे, उनको लगेगा इतना अच्छा पेपर मिस करके 108 चल रहा था मेरा, 104 चल रहा था, 106 चल रहा था, ऐसे ऐसे लोग बबल नहीं किए हैं, गलत बबल कर दिए हैं, अब उनका क्या 68 के लिए मन लगेगा? पहली गलती। दूसरी गलती, सिली मिस्टेक, पढ़ लो जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, सिली मिस्टेक करते रहेंगे पीटी नहीं निकलता रहेगा, और इसके लिए आपको एविडेंस दिखाने की भी जरूरत नहीं है। आप में से ऑलमोस्ट इसके अंदर आएंगे, और किसी ने दो, किसी ने चार, किसी ने 10-10, 18 गलतियां की है। मेरे पास 18 गलती तक का है मैक्सिमम, 2-3-4 तो लगभग सबने किया है, तो एक आध दो भी नहीं चलता है, क्योंकि 150 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको बनाने, तो वो भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर तब भी आप कर रहे हो और उससे अधिक कर रहे हो, तब तो हो गया ना काम। सिली मिस्टेक किसको कहते हैं? जो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, जो क्वेश्चन आपको पूरी तरह से आ रहा होता है, वहां पे अलग अलग तरीके से गलत करना, उसी को सिली मिस्टेक कहते हैं।
तो क्या लगता है कि पढ़ाई कहीं ना कहीं यहां बैरियर बन रहा है सिली मिस्टेक में? नहीं, ये आपका तरीका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, पढ़ने का, रिवीजन का, ये सब वो तरीके हैं जो सिली मिस्टेक करवा रहा है। और सिली मिस्टेक पर ध्यान नहीं देना सिली मिस्टेक करवाता है। ज्ञान की जरूरत नहीं है। महात्मा बुद्ध का राजवैद्य जीवक था या कौन था वो सबको पता है। अब यहां पे आप अगर गलत गोला रंगने में कर रहे हो सिली मिस्टेक, ओएमआर का पूरा 30 या 35 सीरीज गलत, भड़े पड़े हैं ना सिली मिस्टेक वाले, कमेंट देखी जाए, जो वीडियो मैंने बनाया उसके अंदर भड़े पड़े। सिली मिस्टेक पे आज से गंभीरता से विचार करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो 68 में भी ये दिन देखना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन जब आसान होता है, कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, क्वेश्चन जब ईजी होगा तो वहां अगर सिली मिस्टेक होता है तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, लिख के रख लो, ये तय बात है, कहीं के नहीं रहेंगे आप, क्योंकि वहां पे गलती नहीं करने वाले भी स्टूडेंट हैं, गलती नहीं करने वाले भी स्टूडेंट हैं, क्या करोगे उनका? अब वो तो आपका आपने जो सिली किया है उसको वो बड़ी गंभीरता से सही बना के है। और जो लोग क्वालिफाई भी कर रहे हैं, 108 ला रहे, 112 ला रहे हैं, उनके लिए भी आपने अभी आपने भी सिली किया है, कोशिश कीजिए वो भी नहीं करने का। सिली मिस्टेक कहीं ना कहीं आपको अंदर आत्मग्लानी महसूस करवाता है, जो अपकमिंग एग्जामिनेशन आपके कॉन्फिडेंस से लेकर कई सारी चीजों पे इंपैक्ट डालता है, बहुत बुरा वाला इंपैक्ट डालता है। तीसरा, मेंस, मेंस की तैयारी में लग गए होंगे बहुत सारे, इसमें भी अधिकांश लोग पता है क्या गलती करेंगे? आंसर राइटिंग नहीं करने का। खूब क्वेश्चन पढ़ेंगे, मॉडल आंसर पढ़ जाएंगे और रट जाएंगे, पॉइंट वाइज नोट रट जाएंगे, नोट्स जो भी होगा वो रट जाएंगे, टॉपिक बना के उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रट जाएंगे, लेकिन दो काम वो छोड़ेंगे, अधिकांश लोग छोड़ेंगे, ये भी एक फैक्ट करवा सच है, और उसको वैल्यू नहीं दिया जाएगा। इतना लाख चिल्ला रहे हैं ना, फिर भी उसको आप लोग कहीं ना कहीं इग्नोर करेंगे, पता नहीं करते ही है तो क्या कहा जाए। वो है पहला आंसर राइटिंग, और दूसरा आंसर राइटिंग अगर कोई कर भी रहे हैं उस दौरान भी छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखना, लाइक क्वेश्चन के पीछे टेल वर्ड क्या कह रहा है और टेल वर्ड क्या कह रहा है और रफ वर्क करना मेंस को लेकर, जो आंसर राइटिंग कर भी रहे ना वो नहीं करते। तो यहां पे अधिकांश लोग आंसर राइटिंग करेंगे, वो फिर से पीटी में जाएंगे, पीटी मोड में। अभी देखो आप लोग अगर इसमें हो तो सोचो कितना रिस्की है, आप फिर से पीटी मोड में जाएंगे, आपके दिमाग में ये आया कि मेंस का एग्जाम नजदीक है तो उसका हम ये पोर्शन ना पूरा रट लेते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस में, उसका प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर उठाते हैं या सॉल्व पेपर जिस सब्जेक्ट का नहीं उसका करके आंसर तैयार करके उसको याद कर लेते हैं, वहां याद कर लेते हैं और सीधा जाके लिख देंगे, क्योंकि टाइम कहां है। ये वही स्थिति होगी प्रीलिम्स वाली, सारे फैक्ट्स पढ़ लिए और एग्जाम में सिली मिस्टेक करें तो यहां पर भी सिली मिस्टेक हो रहे हैं मेंस में, सारा पढ़ लिए, खूब अच्छे से रट लिए और टेल वर्ड के अकॉर्डिंग, टेल वर्ड का इंपॉर्टेंस नहीं समझा, जो क्वेश्चन तैयार था चिपका के आ गए, टेल वर्ड्स का इंपॉर्टेंस नहीं समझा और जो यहां पे क्वेश्चन फॉर्मेट पूरा बना लिए दिमाग के अंदर वही रख लिए, क्योंकि टेल वर्ड्स रहेगा तब तो चेंज करने आएगा। और फाइनली फुली सिली मिस्टेक की क्वेश्चन पे प्रैक्टिस, प्रॉपर तरीके से आंसर राइटिंग नहीं किए, आंसर राइटिंग किए भी तो वो वैल्यू दे के नहीं किए, आंसर राइटिंग को उतना ही वैल्यू देना होगा जितना आपको सिली मिस्टेक से बचना होगा, नहीं तो प्रीलिम्स गया अगली बारी मेंस की, अभी तो प्रीलिम्स गया है यहां से, अगली बारी मेंस की भी आ सकती है। चीजों को सुधार लीजिए, नहीं तो इतना मेहनत, इतना पैसा और इतना समय, तीनों बर्बाद होता है, और ये सिर्फ तीन बर्बाद होता ना तो शायद मैं कुछ नहीं कहता, ये तीनों आपके पर्सनैलिटी पे इतना नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, आपके कॉन्फिडेंस को इस तरह से तोड़ता है जिसका खामियाजा सालों तक भुगतना पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, सालों तक आप इसका खामियाजा भुगतोगे, वो जो टिस है ना मारता रहेगा अंदर में,
इसीलिए कहते हैं समय रहते सुधर जाइए, संभल जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। होपफुली मेरी बातें थोड़ी सी चुभ जाती है, बट वो चुभती होगी, हम मानते हैं। लेकिन अगर ये हम नहीं बताएंगे तो ये कौन बताएगा? सिर्फ मीठी मीठी बातें करने से तो नहीं होगा, उस दर्द को आपको झेलना भी होगा और जीना भी होगा एग्जाम के पहले, और सही तरीके से एग्जाम के पहले उस पेनफुल जर्नी, आंसर राइटिंग से मिस्टेक टाइप की चीजों को नहीं रोके, उस जर्नी को तय करके, तो लाइफ में एक लंबा समय जब देखोगे ना, अच्छा वो उस डीएम बना हुआ है, क्या पावर है, क्या रुतबा है, अच्छा डीवाईएसपी बना हुआ है, हम भी तो तैयारी किए थे, आज हमको डांट रहा है ये, समझ में आ रहा है ना, ये गम खाता जाएगा। तो होपफुली कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।